वेलकम टू इंग्लिश शॉप। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की फर्स्ट एड बुक का लास्ट लिटरेचर चैप्टर, विच इज द प्रपोजल रिटन बाय एंटोन चेकोव। तो ये जो लास्ट चैप्टर है क्लास 10 की फर्स्ट एड बुक का, द प्रपोजल, बेसिकली एक मैरिज प्रपोजल। और अगर इससे पहले की किसी भी वीडियोस को आपने नहीं देखा है फर्स्ट एड बुक का, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले इस चैप्टर का समरी ओवरव्यू, द प्रपोजल। तो ये एक रशियन स्टोरी है और एक मैरिज प्रपोजल की बात हो रही है, जिसमें तीन कैरेक्टर है और उन कैरेक्टर के बीच में एक ड्रामा है। इसको एक ड्रामाटाइज करके दिखाया गया और बहुत ज्यादा फनी और ह्यूमरस है। और किस तरीके से उनकी छोटी छोटी बातों पे लेके झगड़ा और अननेसेसरी बातों पे, वो चीजें जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, अननेसेसरी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, बहुत ज्यादा उन लोगों ने जरूरी समझा है और बेकार की चीजों पे ज्यादा बहस किया है और इंपोर्टेंट चीजों को दरकिनार कर दिया। इसी चीज को आज हम टाइम इस चैप्टर में देखने वाले। तो द प्रपोजल की जो पहली कैरेक्टर है विच इज चुकोव, जो एक लैंड ओनर है ना, और उनकी बेटी है नतालिया, हिज डॉटर, शी इज 25 इयर्स ओल्ड, जो 25 साल की है, और उनका एक पड़ोसी है लोमोव, जो कि 35 साल का है, 35 इयर्स ओल्ड। और नतालिया जो है चाहती है कि किसी अमीर बंदे से, किसी अमीर लड़की से उसकी शादी हो जाए। तो लोमोव जो है शाम के वक्त, यानी शाम से थोड़ा पहले और लंच के थोड़ा बाद, नतालिया के घर जाता है एकदम फॉर्मल ड्रेस में, फॉर्मल अटायर में। और रशियन कोल कंट्रीज है तो ग्लव्स, जैकेट, स्वेटर और ट्राउजर और बहुत सारी चीजों को पहनकर वो जाता है। तो तभी चुको वहां उनका वेलकम करते हैं और कहते हैं कि लुमो तुम यहाँ कोई खास बात, और इस फॉर्मल ड्रेस में तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? तो लोमोव ने कहा नहीं बिल्कुल, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, और कोई काम नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे ही मिलने आया हूँ। तो ये सोच के बड़ा अजीब लगा कि आप हमारे पड़ोसी हैं, इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो सोचा आज आपसे मिलने चला हूं और मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट काम भी है। तो चुकोव थोड़ा सरप्राइज हुआ, वो पूछने लगा क्या काम है। तो वो थोड़ा बातों को घुमा के लोमोव बोलने लगा, ये कहने लगा कि आपने हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा मुझे असिस्ट किया है, और मुझे उम्मीद है आज भी आप मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे, आज भी आप मेरी मदद जरूर करेंगे। तो चुकोव जो है मनी मन सोचने लगा कि अगर ये मुझसे पैसे मांगने आया है तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जबकि लोमोव बातों को घुमाते घुमाते पॉइंट पे पहुंचता और वो कहता है कि मैं आपकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया हूं। इतना ही सुनना था कि चुकोव उसका बैलेंस खो गया। वो क्या लगा कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो बहुत सालों से चाहता था अपना अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे से करूं, इस पड़ोसी का जो हमारा है कनेक्शन, इसको रिश्तेदारी में बदलूं, ये सारी चीज वो कहने लगा। और कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा बेसब्र हो गया, बेकरार हो गया इस बात को सुनकर, मैं अभी नतालिया को बुलाकर लाता हूँ, मैं अपना बैलेंस खो रहा हूँ, ये सारी चीजें वो कहने लगा। फिर वो पूछने लगा लोमोव की क्या नतालिया भी तैयार होगी, वो रेडी होगी, उसका कंसेंट होगा। तो चुकोव ने कहा बिल्कुल, वो तो पैदा ही हुई है प्यार करने के लिए, वो तो तैयार हो ही जाएगी। और तभी वो जाता है और नतालिया को बुलाकर लाता है। तभी लोमोव कुछ पल के लिए अकेला रहता है और सोचने लगता है कि क्या मैंने गलत तो नहीं किया उसकी बेटी का हाथ मांग के। वो बहुत जल्दी रेडी हो गया, बहुत जल्दी राशि हो गया, तो उसे अजीब अजीब सी फीलिंग आने लगी। फिर सोचने लगा नहीं, मैं अब ज्यादा सोचूंगा तो शायद मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी, मैं 35 साल का हो चुका हूँ, रातों को सोता हूँ तो मेरे लेफ्ट शोल्डर जैसे खींचा हुआ महसूस होता है, और फिर मैं उठ जाता हूँ, मेरी धड़कनें बहुत तेज चलने लगती, बहुत फास्ट बीट करता है, पैल्पिटेशन होता है, और फिर मैं बिस्तर से उठ के दौड़ने लगता हूँ, फिर मैं बिस्तर पे आता हूँ, फिर मुझे पसीने आ जाते हैं, और ऐसा लगभग 20 बार होता है, और तब जाके मैं सो पाता हूँ, और इतना सोचूंगा तो मुझे कभी कोई आइडियल लड़की मिल ही नहीं पाएगी, नतालिया इज ओके फॉर मी, और मैं खुद 35 साल का हो चुका हूँ। इतना ही सोचा था तभी नतालिया की एंट्री होती है। नतालिया एक एप्रॉन पहनती थी, शायद वो किचन में कुछ काम करती, और उसने कहा कि मैं मटर छील रही थी, तो वो कुकिंग के टाइम जो हम लोग कपड़ा पहनते एप्रॉन कहते, तो उस एप्रॉन में थी। तो तभी नतालिया कहती कि तुम इस फॉर्मल ड्रेस में कहीं जा रहे हो क्या? तो कहा नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ। और नतालिया को नहीं पता था कि वो उसको प्रपोजल लेकर आया, उसको प्रपोज करने आया है। और लोमोव उससे बातें कर लगा, बातें घुमा फिरा के वो कह रहा था कि हाँ जैसा कि हम जानते हैं, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। और बात ही बात में उसने जिक्र किया ऑक्सिनमिडोज का, ऑक्सिनमिडोज जो दोनों के घरों की कुछ दूरी पे, तो कहने लगा कि मेरा जो ऑक्सिनमिडोज है और तुम्हारा जो बर्च वुड है। तभी नतालिया ने कहा रुको, क्या कहा तुमने, तुम्हारा ऑक्सिनमिडोज, वो ऑक्सिनमिडोज तो हमारा एक छोटा सा लैंड था, एक जमीन जिसपे बहुत ज्यादा बहस होने वाली है, और वो कहती कि तुम्हारा है। तो लोमोव कहता है कि वो मेरा, नतालिया कहती है कि वो मेरा, नतालिया कहती है कि हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि वो ऑक्सिनमिडोज हमारा, और ऑल ऑफ अ सडन तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारा, 300 सालों से ये हमारा है, और अचानक आज कोई हमें कह रहा है कि वो ऑक्सिनमिडोज किसी और का है, ये कब से तुम्हारा हो गया? तो लोमोव कहने लगा कि शायद तुम भूल रही हो कि मेरी जो लेट आंट है, मेरी जो स्वर्गवासी आंटी है, उन्होंने तुम्हारे दादा
कि किसानों को तुम्हारे दादा के मजदूरों को दिया था और उन्होंने इसके बदले कुछ ईंटों को बेक किया, ईंटों को बनाया और 40 साल तक वो उस पर काम किया और शायद लगता है काम करते करते उन्हें आदत हो गया और लगने लगा कि वो जमीन उनका, लेकिन वो जमीन हमारा है। तो वो कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, जबकि मेरे दादा और मेरे दादा के पापा सब जानते हैं कि वो जमीन हमारी है और हमारी ही थी, ये कभी किसी और का था ही नहीं और तुम्हारी लेट आंच ये सब कहां से बीच में आ गया। और दोनों बहुत ज्यादा बहस कर लेंगे, वो कहने लगे देखो जमीन की कीमत ज्यादा नहीं है, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ और ये जमीन हमारा ही है, तुम्हारी आंटी ने कभी किसी को दिया ही नहीं है। तो वो कहने लगा कि नहीं, ये मेरी लेट आंटी ने दिया था तुम्हारे पिताजी के दादाजी के किसानों को, उनके मजदूरों को, और फिर उन्होंने कुछ सालों तक काम करवाया और फिर वो जमीन छोड़ दिया और ये जमीन हमारा है। तो दोनों में बहुत ज्यादा बहस, एक घमासान युद्ध जैसे हो गया, जुबानी दंगल दोनों में चल रही है और दोनों दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश पे आ गया। अब एक ब्लेम गेम चलने लगा और बहुत ज्यादा बहस होने लगा। वो कह रहा है कि इट इज माइन, वो कह रहा है नो इट इज माइन, इट कांट बी योर्स, तुम चाहे कितनी भी बातों को घुमा लो वो हमारा ही रहेगा, तुम लोग सही इंसान नहीं हो और बहुत सी चीजें। फिर वो तभी इतना शोर गोल होता है तो चुकोव की एंट्री हो जाती है और चुकोव कहते हैं कि क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर। तो वो कहते हैं कि पापा आप ही बताओ, हमारा जो ऑक्सिन मिडोज है ये कह रहा है कि ये इसका है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो ऑक्सिन मिडोज तो हमारा है, उसके नतालिया के पिताजी भी कह रहे हैं कि वो ऑक्सिन मिडोज हमारा। तभी वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा लोगों, तो नतालिया के पिता चुकोव कह रहे कि देखो मैं तुम्हारी एज से डबल हूं, मुझसे तमीज से बात करो जेंटलमैन, मैं तुमसे इस आवाज में बात नहीं कर सकता हूं और मुझसे लिहाज से बात क्या कर, चिल्लाना है तो अपने घर में जाकर चिल्लाओ, ये जमीन कुछ सालों तक विवादों में जरूर था लेकिन सब जानते हैं कि ये हमारा है। तो लोमोव कहने लगा मेरे पास डॉक्यूमेंट है मैं दिखा सकता हूँ, ये तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता, और बहुत ज्यादा वो चिल्लाने लगा और तभी उसकी धड़कने जो हार्ट बीट है बहुत तेजी से धड़कने लगी, उसके पैरों में जैसे कुछ हुआ लगा। तो कह रहा कि मुझे कुछ हो रहा है जैसे कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, और तभी वो लोग बहस चल रहा है, वो कहने लगे कि नहीं तुम लोग तो झूठे हो, मक्कार हो, एक ब्लेम गेम शुरू हो गया। अब एक दूसरे की फैमिली और खानदान के मुर्दों लोगों को भी गालियां देने लगे। वो कहने लगे कि नतालिया कहने लगी कि तुम्हारी आंटी बहुत बड़ी बैक विचर है, बहुत बड़ी चुगलखोर है। वो भी कहने लगे कि तुम्हारे पिता को तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा पीटती थी। फिर चुको भी कहने लगा कि तुम्हारी माँ भी एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी, और इस तरह की बहस होने लगी दोनों के बीच, फनी और ह्यूमरस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे और बहस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तभी कहने लगे कि इससे पहले कि तुम यहाँ से चले जाओ धक्का मार के निकाल दूंगा मैं, बहुत सी चीज होने लगी, एंड यू जस्ट डेविल गेट आउट ऑफ हियर, बहुत सी चीजों का बहस होने लगा और तभी उनको बाहर निकाल दिया गया। तभी चुको और नतालिया शांत बैठते रिलैक्स होते हैं और चुकोव कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हें पता है वो तुम्हें प्रपोज करने आया था, तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता लेकर आया था। तो नतालिया के होश उड़ जाते हैं, वो कहते हैं क्या ऐसा था, तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, मुझे उसे वापस बुलाइए मैं उससे बात करूंगी। तो चुकोव कहते हैं कि हमने अभी उसे धक्के मारकर निकाला और फिर मैं वापस लेकर आऊँ। तो नतालिया कहने लगती है ये आपकी वजह से हुआ है, आपने उस पर ज्यादा चिल्लाया, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो चुकोव कहते हैं तुम्हारी वजह से हुआ। फिर वो कहती है मैं अपनी जान दे दूंगी, इससे पहले आप उसे बुला कर लाइए। बहुत ज्यादा दोनों में बहस होने लगता है। तभी नतालिया के पिता यानी चुकोव कहते हैं कि तुम मुझे ही चाकू दे दो, मैं अपना ही गला काट दूंगा, एक बेटी का बाप होना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा बोझ है, जैसे तुम्हें संभालना और फिर तुम्हारे टेंट्रम्स को संभालना। फिर वो जाता है और लोमोव को बुला के लाता है जो घर से कुछ दूर जा चुका था, और कहता है कि तुम ही बात करो मैं जा रहा हूँ। और तब नतालिया और लोमोव बात कर लगते, तो नतालिया कहती है कि हम लोग थोड़ा गुस्से में थे, हीटेड थे, चलो मुझे पता है कि वो ऑक्सिन मिडोज से हमारा ही है। तो वो कह लगा कि हाँ हमें भी पता है वो ऑक्सिन मिडोज हमारा ही है, बात जमीन की नहीं, जबकि उस जमीन की कीमत बहुत थोड़ा ही है, 350 रूबल्स तो है ही, बात प्रिंसिपल की ईमानदारी की है। तो इन दोनों की बहस होती रहती है। फिर नतालिया मनी मन सोचती कि अब मैं कैसे इससे बुलवाऊँ, शादी की बात कैसे निकलवाऊँ, कैसे पॉइंट पे पहुंचूं। तो फिर बात करते करते उसने पूछा कि तो ठीक है तुम अभी शिकार करने कहाँ जा रहे हो। तो अभी तो मैं शिकार करने नहीं जा रहा हूँ, मेरा जो डॉग है उसके लोमोव की डॉग का नाम गैस है और नतालिया के डॉग का नाम स्क्वीज है। तो वो कहता है कि मेरा जो डॉग गैस है उसका टांग मुड़ सा गया है और पता नहीं क्या हो गया, शायद उसका टांग मुड़ गया या किसी कुत्ते ने उसे काट लिया। तो वो कह रहा है कि मेरा जो डॉग है वो 125 रूबल्स का। तभी नतालिया कहने लगी कि 125 रूबल्स तुमने उस गेस्ट के लिए दिया, उससे कहीं ज्यादा बेहतर तो मेरा स्क्वीजर है जो मैंने 85 रूबल्स में लिया। तो कह लेंगे कि तुम्हारा स्क्वीजर मेरे गेस्ट से कब से बेहतर हो गया, अब दोनों में कुत्तों को लेकर बहस होने लगी। और कह लेगा कि यस हमारा गेस्ट बहुत ज्यादा बेहतर है, हमारा गेस्ट बहुत सारी क्वालिटीज है, बेहतर है, फर्स्ट रेट डॉग है। नतालिया कहने लगे कि नहीं तुम्हारा स्क्वीजर तो एकदम बकवास है, सड़ा हुआ है। फिर लोमोव कहने लगा कि तुम्हारा तो ओवरशॉट है, उसका जो अपर जॉ है वो लोअर जॉ से छोटा है और वो अपर जॉ बड़ा है। तो नतालिया कहने लगी तुमने कभी मेजर किया है क्या। तो कहा बिल्कुल, तुम्हारा कुत्ता तो कहीं भी मिल जाता है, सड़क के किसी भी किनारे, किसी भी झाड़ी में, किसी भी लेक के पास, कहीं भी वो तुम्हें नजर आ जाएगा। और तुम्हारे 5 स्क्वीजर के बदले भी मैं गेस्ट को ना खरीदूं, गेस्ट काफी अलग और बेहतर है।
अब दोनों में बहस हो रही है, वो कहने लगे कि नो माइन इज बेटर, वो कह रहा नो माइन इज बेटर, फिर कहने योर्स इज वर्स, माइन इज बेटर, और तुम्हारा बुरा है मेरा अच्छा, इस तरह की बहस होने लगी। और फिर कहने लगा कि तुम्हारा जो स्क्वीजर है वो 100 times बदतर है, 100 times बुरा है। तभी नताली कहने लगी कि वो 100 times बेहतर है। फिर दोनों में इतना ज्यादा बहस होने लगा और वो कहने लगे कि ठीक है ऐसा करो जाओ अपने स्क्वीजर के साथ ही चिपक जाओ, अपने स्क्वीजर के साथ ही लटक जाओ। और इतना ज्यादा बहस होने लगा, तू मैं होने लगी। तभी चुकोव एंट्री होते, कहते व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? तो कहने लगे पापा आप ही बताओ, लगता है आज इसके अंदर कोई शैतान आ गया। पहले कहता है कि ऑक्सिमिडोस इसका, और अब कहता है कि इसका गेस्ट हमारे स्क्वीजर से बेहतर है, आप ही बताओ कौन बेहतर है। तो वो कहने लगे चुकोव की जेंटलमैन तुम्हारा गेस्ट भी बहुत अच्छा है, उसकी भी कुछ अच्छी क्वालिटीज है, लेकिन आप याद रखिए स्क्वीजर से बेहतर नहीं है। वो भी अपने ही कुत्ते का तारीफ करता है, नताली के पिता भी कह रहे हैं कि स्क्वीजर ज्यादा बेहतर है गेस्ट से। वो कह लेगे कि आप क्या कह रहे हैं, आपको याद है कुछ महीनों पहले एक रेस हुई थी, नेक टू नेक कंपटीशन किया था हमारे गेस्ट ने, आपका स्क्वीजर तो बहुत पीछे रह गया था। तो कहा नतालिया ने कि उसको बहुत जोर से चाबुक मार दिया गया था, बहुत जोर से उसको विप मार दिया गया था, जिस वजह से वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाया था, जबकि बहुत ज्यादा बेहतर है। अब दोनों में इतनी ज्यादा बहस हो लगती है और अचानक लोमोफ को बहुत सारी प्रॉब्लम हो लगती है बॉडी में। कहता मेरा बाहिना घुटना जैसे चला गया, अब मैं नहीं बचूंगा, मैं बेहोश होने वाला हूँ, मेरी धड़कने हार्ट बीट सब फास्ट, कुछ है जो मुझे खींच रहा है, इस तरह का बहुत ज्यादा फनी और ह्यूमरस होने लगा। और चीजें कह लगा कि मेरा बाहिना घुटना खींचा जा रहा है, मेरी धड़कने जैसे बंद हो गई है, मेरा बाहिना शोल्डर जैसे मुझे खींच रहा है, और कहते कहते वो बेहोश हो गया। अब जब वो बेहोश हो गया तो नतालिया उसको जगा रही है, उसको पानी दे रही है, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा और कह रहा लगता है पिताजी ये मर चुका है, ही इज डेड। तो उसके पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता चुकोव का, और वो कहते हैं कि गिव मी अ पिस्टल, गिव मी अ नाइफ, आई विल कट माय थ्रोट, आई विल किल मायसेल्फ, आई शूट मायसेल्फ, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, मार डालूंगा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा। फिर वो उसको पानी देते हैं और फिर वो पानी पीने लगता है, कहता लगता है इज कमिंग इज कमिंग, वो जिंदा हो रहा है, और तभी वो जिंदा होने लगता है। और फिर बातचीत होने लगती है, और वो कहते हैं कि चलो इससे पहले कि और ज्यादा बहस हो एक दूसरे को किस करो, एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथ में उन्होंने पकवाया और कहा किस करो, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर्स में ऐसे ही होता है शादी की शुरुआत। तो उन्होंने किस किया और फिर दोनों खड़े हुए और प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि आप एक हैप्पी फैमिली की शुरुआत करो। और फिर लोगों होश में आता है, वो कहता है नो माई गेस इज बेटर देन योर स्क्वीज, और फिर डाले कहते नो इट इज वर्स, मतलब बहुत ज्यादा फनी और ह्यूमरस तरीके से कि वो छोटी छोटी बातों पे इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे, इतना ज्यादा ध्यान दे रहे। और तभी कहा कि ऐसा करो मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, चुकोफ क्या लगा आप इसी तरीके से अपनी फैमिली शुरू कर सकते हैं, लड़ते और झगड़ते हैं। और यहीं पे आपकी स्टोरी खत्म होती है, जिसमें दिखाया गया कि तीनों कैरेक्टर्स के बीच बहुत ज्यादा घमासान युद्ध, जुबानी दंगल होती है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम और गाली गलौज एक्यूसेशन बहुत ज्यादा होता है। इस चीजों को बताया गया, और ये भी बताया गया कि हम कितना अनइम्पोर्टेंट चीजों को तवज्जो दे रहे हैं, कितना इंपोर्टेंस दे रहे हैं अननेसेसरी चीजों को, अनइम्पोर्टेंट चीजों को, और इम्पोर्टेंट चीजें जो कि प्रपोजल था वो तो कहीं रहा ही नहीं, वो उसको दरकिनार कर दिया गया। तो आई होप आपको इस चैप्टर का लास्ट समरी द प्रपोजल जो क्लास 10 फर्स्ट राइट बुक की है समझ आई होगी। और मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें टू गेट टू स्टे ट्यून्ड एंड टू स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।